मैं आपका साथी कुलदीप कुमार मेघवाल। राष्ट्रीय खेल 2022 की जो टॉप 10 मेडलिस्ट हैं या जिनके टॉप 10 में पदक प्राप्त किए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आज ये जो गेम है 36वीं राष्ट्रीय खेल हैं और 36वां संस्करण है और 36 ही खेलों को शामिल किया गया है। इसके अंदर कितने ऐसे राज्य हैं जो टॉप 10 में रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा पहले स्थान पर रहा है। टोटल इनके पदक हैं 45 गोल्ड के साथ, ये पहले स्थान पर हैं और हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टोटल इन्होंने पदक जीते 104 पदक जीते हैं, इसमें कांस्य पदक 28 हैं और 31 जो मेडल हैं इनके सिल्वर हैं और 45 जो गोल्ड मेडल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका जो दूसरा स्थान रहा है हरियाणा का रहा, हरियाणा के 30 गोल्ड सिल्वर 25 28, टोटल 83 जो पदक हैं वे हरियाणा के रहे हैं। हरियाणा इसमें दूसरे पायदान पर है। अगला जो हमारा जो राज्य है जो तीसरी पायदान पर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे पायदान की हम बात करें तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के ओवरऑल पदक सबसे ज़्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र ने 110 पदक जीते हैं और ये कुल पदक हैं 110 हैं और 28 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं और सिल्वर मेडल 28 हैं और 54 के कांस्य पदक हैं। महाराष्ट्र अपने तीसरे पायदान पर है और ओवरऑल नेशनल गेम 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला महाराष्ट्र राज्य है, परंतु यहाँ काउंटिंग गोल्ड मेडल के साथ होती है। तो इस प्रकार से सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल स्पोर्ट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा पदक। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला जो पॉइंट है कर्नाटक का है। कर्नाटक हमारा फोर्थ प्लेस है और 28 पदकों के साथ कर्नाटक 23 पदक गोल्ड हैं और 22 पदक सिल्वर हैं, 35 पदक इनके ब्रॉन्ज हैं। टोटल हम बात करते हैं 80 पदक हैं, ठीक है। अगला तमिलनाडु का है, पांचवा स्थान। तमिलनाडु में 22 पदक गोल्ड, 21 गोल्ड सिल्वर और 22 ही ब्रॉन्ज मेडल के साथ 85 पदक हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि वो आगामी जो परीक्षाएँ हैं इसमें पूछे जाने वाले जो सवाल हैं उससे संबंधित हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की तरह ही आपके बार 2022 में गुजरात के अहमदाबाद मोदी स्टेडियम में खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु के जो टोटल पदक हैं हमारे, वो हम बात करें कि 65 है। नेक्स्ट हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा कि उत्तर प्रदेश का यहाँ 6 प्लेस हैं, 19 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं और 13 इनके कांस्य पदक हैं। टोटल जो पदक आए हैं 47 हैं। नेक्स्ट हम बात करते पंजाब का, यहाँ 7वां स्थान है। पंजाब ने 15 गोल्ड के साथ 25 सिल्वर व 29 कांस्य के साथ 59 पदक के साथ 7वें स्थान पर बरकरार हैं। नेक्स्ट हम बात करें केरला के, केरला जो राज्य है जिसे 15 पदक गोल्ड 16 सिल्वर व 13 कांस्य पदकों के साथ केरला 8वें स्थान पर है। ये जो पदक सारणी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पदक सारणी ये 8 अक्टूबर 2022 रात की है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट जो स्टेट है टॉप 10 में ये है दिल्ली। दिल्ली ने 59 पदक जीते हैं और यहाँ ओवरऑल और इनके गोल्ड हैं 13। मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर ने 15 गोल्ड के साथ 9वें स्थान पर हैं। मणिपुर ने सिल्वर 5 जीते हैं, ब्रॉन्ज इनके 14 हैं और टोटल ओवरऑल 34 इनके जो पदक हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो नेशनल्स गेम्स 2022 हैं और नेशनल गेम 36वें नेशनल गेम का संस्करण है, इस संस्करण में जो टॉप 10 जो राज्य थे हमने उसके बारे में डिस्कस करा। तो मेरे प्यारे साथियों,